ये वो गाय हैं जिसे कुछ दिन पहले टाइगर ने पकड़ लिया था, और ये मैंने मेरे पिछले ब्लॉग में भी जिनकी गाय हैं उनसे बात कर रहा था, उन्होंने बताया था खुद। मेरे को हमेशा ही लगता है कि यीशु कितना सही है, ना दिमाग ना टेंशन कुछ भी। रोज तुम खाते हो ना, मेरा दिमाग इसलिए कम होता जा रहा है। ए, कम बैक। कम होता कौन स्विमिंग आती है, बस नीचे जमीन हो पैर लगते रहे। वो वाली स्विमिंग आती है, इनको पैर लगने चाहिए, फिर ही कर लेंगे। लोग पत्थर क्लियर कर रहे हैं उधर, दिख पेड़ था। If you are a fan of travel content and you like fun family videos, तो Mile Chasers को subscribe करना ना भूलें। Welcome back to the channel, everyone. You're watching Mile Chasers. मैं हूँ Love और ये है Yashvi. तो भाई हम हैं Corbett Nirvana में, जो कि है Parkcote में, एक बहुत ही सुंदर रिजॉर्ट में। आपको इसके बारे में हम सारी डिटेल्स देते ही जा रहे हैं, और अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं पापा मम्मा को करते हैं फटाफट। ये रहा उनका रूम, हमारे साथ वाला ही एकदम, बहुत प्यारे कॉटेजेस हैं यार यहाँ पे। और हमने अभी उनको बोला है कि ना हमारा ब्रेकफास्ट ना बाहर ही लगाओ, क्योंकि मौसम देखो ना बहुत तगड़ा है, ये सारे बादल हैं, वरना पीछे पूरे पहाड़ दिखते हैं बहुत सुंदर। और इन्होंने बहुत प्यारा सा बना ही रखा है झरना, तो हमने कहा बाहर बैठेंगे आराम से ब्रेकफास्ट करते हैं, मज़ा आएगा थोड़ा। है भाई ठीक है, कहाँ जा रही है? इधर ही बैठना है ना? नहीं यार धूप आ रही है, थोड़ी देर बैठेंगे। ठीक है चलो उधर बैठ। ये रे, ये वो बंदा है जो कल जब से यहाँ पर हम आना था ना, ये कहते हैं मैं पूल जाना है, पूल जाना है, पूल जाना है, चलते रहे। और उसके बाद नहीं, यही रुको, डरो मत ना, है मैं बताना। और कल कितने ज्यादा कह रहे थे मैं सुबह 8 बजे उठ के पूल चला जाऊंगा सबसे पहले कह रहे थे ना। और मैं 8 बजे खुद उठा कि चलो रेडी होते हैं जाना है, और मम्मा को मैंने 8:30 बजे कह रहा मम्मा क्या सीन है, कहते वो तो उठ ही नहीं रहे, क्या कह रहे थे नहीं मैं नहीं जा रहा। क्योंकि इनको नींद प्यारी थी। और उसके बाद वो तो मैं आया कि मैंने कहा नहीं यार पूल तो जाएंगे, अभी तक पूल में नहीं गए हैं, तो पहले अब ये प्लान है कि ब्रेकफास्ट करते हैं, थोड़ा फ्रेशन अप वगैरह होके उसके बाद हम पूल जाएंगे, फिर रेडी होके हमने ऐसा निकलना भी है अपनी सफारी के लिए। धूप का तो हो सकता है, लेकिन हमने कहा कि आज जब मौका है तो बाहर ही बैठे ना, थोड़ा है अभी तक बैठे ही नहीं हम। खा गई अभी तो कर दी शॉर्ट का वेट करनी, चाय आएगी साथ ही लूँगी तो खराब थोड़ी हो रही, इतना से खाने से बैठी हुई है कि चाय साथ में रख के ही एक फ़ोटो लेनी है, अब बन जाएगी वाली फ़ोटो इसकी। तो ये पापा मम्मा के रूम में हूँ मैं, और ये सामने आप गायें देख रहे हो, ये वो गायें हैं जिसे कुछ दिन पहले टाइगर ने पकड़ लिया था, और ये मैंने मेरे पिछले ब्लॉग में भी जिनकी गायें हैं उनसे बात कर रहा था, उन्होंने बताया था खुद कि टाइगर ने पकड़ लिया था, और फिर सारे गाँव वालों ने मिलकर थोड़ा शोर मचाया तो छोड़ दिया, और अभी तक ज़िंदा है। तो मतलब ठीक है ये गायें एकदम, मतलब सोचो टाइगर के मुंह से ये बच के आई है, बहुत बहुत ही रेयर कोई ऐसा होगा तो ऐसी बात बोल सकता है कि मैं टाइगर के मुंह से भी बचा हुआ है। चिल एकदम चिल मोड ऑन है। हाँ बस एक जूस, ये लोग तो नहीं जा रहे पूल में, पापा और मैं जाने वाले हैं। और मैंने ना इसका वो हटा दिया जो हमारा माइक होता है, क्योंकि पानी में लेके जाऊँगा ना मैं गोप्रो को तो माइक तो ख़राब हो जाएगा, बट गोप्रो तो हमारा वाटर प्रूफ है। फिर अपना पूल, बस पापा आ जाएं फिर चलते हैं, या मैं जाऊं जब तक। और क्या, तब तक तुम एंजॉय करो, बट तुम मुझे दे दो, मैं यहाँ बाहर बैठे बैठे बना सकती हूँ, बस मेरे लिए जूस लेके आ जाओ। अच्छा ठीक है, और कुछ नहीं, चाय के ऊपर जूस पी जाएगी है? चाय के ऊपर जूस, चाय पे कितनी देर हो गई, और थोड़े से नट्स, वो तो तेरे दिमाग में है यार। ऋषि तेरा कितना सही है ना, क्या मेरे को हमेशा ही लगता है कि ऋषि कितना सही है, ना दिमाग ना टेंशन कुछ भी। रोज तुम खाते हो ना, मेरा दिमाग इसलिए कम होता जा रहा है। कम बैक, रोज कम बैक, रोज। और कई कई दिन तो इतना सारा खाते हो कि मुझे एक्चुअली पूरा लगता है कि सारा दिमाग खाली हो गया मेरा। मैं हूं कि जुए? बहुत ही गंदा है। अरे सिर को कर ले थोड़ा सा, अब चलते हैं इसमें तो स्टेयर्स, वहां तो पहुंचूं पहले। चलो 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 चलो, अरे भाई ये तो है ठंडा है, एक बार थोड़ा नॉर्मल होता, मतलब इतना भी नहीं, सही है अब, बढ़िया है अब, सही हो गया। पहले बता रहा हूँ भाई, हमारे को स्विमिंग ऐसी नहीं आती कि हम चैंपियनशिप जीत जाएंगे, जितनी आती है खुद ही सीखी है बचपन में है, तो थोड़ी सी स्विमिंग कर लेते हैं, थोड़ा फ्लोट कर लेते हैं, बस उतने में हमारा हो जाता है, बस मज़े आने चाहिए।
हेलो पापा कहाँ हैं? वो हेलो कर रही थी मैं। अच्छा मैं अब एक बार डुबकी होगी ना, अब जय गंगा मैया हो गई है, अब हम तैर लेंगे, एक डुबकी हो जाए बस। Look who's here! पापा यहाँ से नहीं आना था, वहाँ बच्चों वाले के वहाँ से आ जाओ, छोटी छोटी स्टेयर्स से आ जाओ। हाँ पंजाबियों के निशानी है अंकल्स के गोबर निकलने। फोर टाइम नहीं चला गया था अभी, जैसा मैंने बोला हमें स्विमिंग नहीं आती लेकिन इनको बहुत अच्छी आती है। तैर जाओ मछली बन जाओ, बन जाओ मछली, ये बस पकड़ के कर सकते हैं। इनको तो कौन सी स्विमिंग आती है, बस नीचे ज़मीन हो पैर लगते रहे वो वाली स्विमिंग आती है इनको, पैर लगने चाहिए फिर ही कर लेंगे। पैर लगवा लो फिर तो मैं नाचता हुआ कहीं भी चला जाऊंगा। रील बनवा रहे अपनी डांस कर करके उससे। रीलें बननी चाहिए। हम हैं एकदम कॉर्बेट निर्वाणा में, वादियों के बीच में, जानवरों के बीच में, जानवरों के बीच साथ में स्विमिंग चल रही है। ऐसे हम टाइगर को देखते हैं जो बैठा होता है गर्मी में, आज हम बैठे हैं, हम कोई टाइगर से कम है कि ये देखो सुपर मॉडल, सुपर मॉडल बाहर निकल रहा है। हाँ फिसलना जाना बस। ओ भाई साहब पूरा पहाड़ है क्या भाई, बहुत बहुत मजा आ रहा है यार, तो चिल मारने के लिए जगह है ये। अरे भाई अब ये पंगा है, यहाँ हो चुकी है तेज की बरसात, हमारे को जाना है नीचे। नीचे पता नहीं रामनगर में हो सकता ना भी हो रही हो, कि कल भी ऐसे ही था, बट यहाँ तो काफ़ी तेज़ है, वो नाले वाले बढ़ जाएंगे यार। अपनी सफारी है तो हम थोड़ा टाइम पे तो निकल रहे हैं, बट कुछ कह नहीं सकते अब यार कि काफ़ी तेज़ बारिश है, काफ़ी ज़्यादा तेज़, और मौसम देखो सफारी हो जाए बस यार, और हम पहुँच जाएँ आराम से। चलो यार हनुमान चालीसा स्टार्ट हो गई है, सवा घंटा दिखा रहा है मेरे को ढेला तक का। आ जाओ भाई आ जाओ, तुम स्कूटर वाले पहले आ जाओ आराम से। सवा घंटे में हमारी सफारी लोकेशन पहुंचना है, बस पानी ना पड़ गया हो और हो जाए सफारी। अभी तो ठीक है भाई, ये निकाल लेंगे हम, यह मज़ेदार। अभी आपको बाहर से तो दिखाई नहीं सकता क्योंकि बारिश है ना, कैमरा बाहर नहीं हो सकता। यार बारिश तो रुक ही नहीं रही, इतनी तेज है। अब हमारे को सीरियस वाला खतरा है कि हमारी सफारी का बहुत मुश्किल सीन लग रहा है यार। हमें था कि थोड़ा नीचे की तरफ आके ना शायद ख़त्म हो जाएगी, जैसे कल था सीन भी, नीचे धूप थी ऊपर बारिश हो रही थी काफ़ी तेज़, बट आज तो भाई नीचे भी है और छोटे नाले भी बहुत तेज़ हो रखे हैं। अब होता ये है कि ढेला गेट के पहले जो नाला आता है ना, अगर उसमें पानी बढ़ जाएगा तो गेट वो बंद कर देंगे एनी वे सेफ्टी पर्पज़ को देखते हुए। तो अब सारी सीन है कि एक बार वहाँ पहुँच के देखें कि नीचे का हाल कैसा है तो पता चलेगा, बट मुश्किल लग रहा है बहुत ज़्यादा। यार ये आखिरी वाला नाला और यहाँ पे लगा हुआ अभी रुके हुए हैं लोग उस तरफ से भी और हमारी तरफ से भी, अब देखते हैं कैसा है। मुझे भी पता तो नहीं चल रहा कि कितना उफान पर है तो पानी ज़्यादा इस तरफ थोड़ा सा दिख रहा है, बट जाके भी नहीं देख सकता ना, बारिश भी तेज़ है। लोग पत्थर क्लियर कर रहे हैं, गुड जॉब गाड़ी को बोलो, गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब टाइगर। अगर ये भर गए तो फिर तो मुश्किल है। बढ़िया
भाई डीला गेट आने वाला है हमारा बस, और लगा लो 10-15 मिनट में। और बढ़िया बात है कि यहाँ पे बारिश का नहीं है, देखो इधर तो खुला हुआ है पूरा, और यहाँ बारिश का सीन है नहीं। सोनू भाई से मेरी भी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आगे नाला भी ऐसा नहीं कि उसमें ज़्यादा पानी हो, तो सफारी हमारी मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगी। यार ये बहुत ही बढ़िया न्यूज़ होगी हमारी, है ना। इस तरह दो बादल हैं, बट अपने को बस इतना चाहिए कि एक बार हम गेट से अंदर चले जाएँ, गेट जब तक खुला रहे, उसके बाद पानी बढ़े जो फिर बाद की बात है, एक बार हम अंदर चले जाएँ फिर कोई दिक्कत नहीं है। और वो देखो वहाँ पहाड़ों के पीछे पूरे बादल हैं, गए हैं सर जी को भेज रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि यशवी को है कि हम कुछ खाने का पैक कराए। मुझे भूख लग रही है, खाने को पैक नहीं, मैं तो अभी खाऊंगी। ये अभी खाएंगी बन बटर, जबकि सोनू भाई हमारे लिए समोसे और कॉफी लेकर आ रहे हैं, मैं तो वही खाऊंगा, उसमें मजा आ जाता है यार सफारी में ना, मिल जाए ऐसे बारिश के मौसम में। बट चलते हैं, तो ये वाली यहाँ पे ढेला पे ही शॉप है जहाँ से ले लेंगे, देखते हैं मिल जाए अगर बन बटर तो। मैगी तो मिलती है, पिछली बार भी यहाँ पे करा था। और सफारी वाला व्लॉग क्योंकि मेरा अलग रहने वाला है, तो अब मैं सफारी का व्लॉग शूट करूँगा, मुझे पता नहीं पहले डाल रहा हूँ या बाद में डाल रहा हूँ, बट आई थिंक पहले डाल चुका होऊंगा या बाद में, पता नहीं। और इसके बाद भी व्लॉग चलता रहा क्योंकि हम पूरा घर तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो वो वाला व्लॉग इसके बाद कंटिन्यू होगा, सफारी वाला पार्ट मैं यहाँ से हटा दूँगा ऐसे। यहाँ भी पंजे मिल रहे हैं, ये रे भाई ताज़े हैं ये पंजे, ताज़े पंजे हैं ये। कॉल हो रही अंदर तगड़ी, बस पटाई करके ना ग्राउल की आवाज़ आ रही है, धीरे धीरे ग्राउल कर रहा है। आराम से तुम बनाओ वीडियो, बोलो मैं बस चुपचाप लग। सुनो भाई चलो आगे करो। ओह माय गॉड, तो भाई सफारी से आ गए हम लोग, आपने वो वाला व्लॉग अलग से देखा होगा। अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना जर्नी वाला व्लॉग जो कि हमने पूरा पाठकोट से शुरू करा था। अब हम जाएंगे अपने गुड़गांव के लिए। अभी जो यहाँ पे टाइम दिखा रहा है ना मुझे, ये दिखा रहा है रीचिंग टाइम मेरा 1 बजे का, घर तक का ये पूरा। बट दिक्कत यह है कि बीच में है कांवड़ यात्रा भी चल रही है, और हमारे को कल बताया गया था कि कुछ बसेस पूरे पूरी दिन रात उन्हें हो गया था, पहुंच नहीं पाई थी, गाड़ियां निकल रही थी। देखते हैं रास्ते में कैसा मिलता है, होप सब ठीक मिले, बट उससे पहले निकलें तो सही। चलो जर्नी को अपनी करें कंटिन्यू। ये देखो भाई ये वाला मैंने बताया था ना आपको, जो यहाँ पे नाला आता है पहले जस्ट ढेला के, तो ये अगर बढ़ जाए ना तब गेट बंद करते हैं, बट अभी देखो पानी नॉर्मल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो यहाँ एक खड्डा है बस वो थोड़ा देख के बचाना होता है ये, बट हाँ ये देखा दिक्कत नहीं है अभी यहाँ पे इस नाले में। ये देखो पूरा यहाँ पूरी खाई है, अरे बढ़ जाए ना दिखता अभी नीचे तक भरा होता है पानी। सर हमने एक जगह पर रुके हैं अभी, एकदम से जैसे कॉर्बेट से निकलते हो ना उसी रोड पे आ जाता है ओल्ड स्कूल रेस्टोरेंट, और हमने कहा क्या चलो थोड़ी चाय शाय मार ली, जब चाय के लिए रुकेंगे ना क्या करें चाय मारूं, तो इस लड़की को भूख लग जाती है, तो इस लड़की ने कहा कि मैं पास्ता भी खा लूँ। हाँ ठीक है, टच नहीं करोगे जहाँ तुमने लिया मैं कैमरे में डालूंगी। क्यों पास्ता छुई मुई है। और ये कॉम्बिनेशन देखो हमारा, पास्ता के साथ चाय भाई साहब भयंकर। तो भाई ये था दी ओल्ड स्कूल कैफे, बस निकलते हैं फटाफट, यशवी पर वॉशरूम गई है, और अब हमारा टाइम हो गया 1:30 बजे का, और अभी हम डिनर के लिए भी रुकेंगे, थोड़ा टाइम और लग ही जाएगा, बट कोई नहीं यार सुबह अपना ऑफिस भी है। फोन कहाँ है मेरा, चल कहाँ घुमा के आयो बताओ, फोन के दरवाजा चेक करो नीचे तो नहीं गिरा, वॉशरूम में तो नहीं फेंका है, नहीं उधर करा हुआ इधर। अरे ये पानी आ गया था यार, यहाँ देखना यहाँ रखा है क्या मैंने, यार डीजल ले रहे हैं हम लोग, काशीपुर क्रॉस कर दिया ना हमने, काशीपुर क्रॉस कर दिया है। मैंने कहा यार वैसे आधे टैंक में थोड़ा कम था, बट मैंने कहा फुल करा के ही चलेंगे यार, ठीक रहता है, पता नहीं ना आगे अगर हम फस आ जाएँ तो डीजल पूरा होना चाहिए, फिर ना टेंशन नहीं होती। और हमने ये भी करा हुआ है कि अपने साथ ना पानी वगैरह भी सही से रखा हुआ, और खाने वाने की भी चीज़ें हैं, अगर फंस जाएँ कहीं पर ना तो ऐसा ना हो जाए कि यार कुछ है ही नहीं, तो ये सोच के चलना पड़ता है सब। ये देखो ये सारे ट्रक रुकवा रखे हैं, अगर काफ़ी देर से चल रही है लाइन इनकी, क्योंकि आगे वहाँ पे हाईवे जब ज्वाइन होगा ना तो वहाँ पे कांवड़ यात्रा चल रही है अभी, तो अगर ये भी घुस जाएंगे ना तो पूरा जैम हो जाएगा हाईवे, तो इनको अभी नहीं जाने दे रहे, बट आई थिंक रात को तो जाने ही देते होंगे, एकदम छोड़ते होंगे सारे ट्रक्स को, ऐसा ही कुछ सीन होगा। और अभी तो सभी रुके हुए हैं यार, भाई बुरे हाल हो गए हैं, आपको बेस सुनाई दे रहा है इनका, समझ ही नहीं आ रहा, बहुत बुरा ही फंसे हुए हैं हम, कोई रास्ता ही नहीं है, वही ढूंढ रहा हूँ व्लॉग तो मैं क्या ही कर ही नहीं पा रहा इस चक्कर में, क्योंकि रास्ता ही नहीं समझ आ रहा है कहाँ से निकलें, सब दिल्ली की गाड़ियाँ फंसी हुई हैं इधर उधर, कुछ भी रास्ता नहीं है, सब जगह बंद है भाई। 1 करोड़ साल के बाद दिल्ली क्रॉस करते हुए हम बस जा रहे हैं गुड़गांव की तरफ। कहाँ कहाँ से बाबा, कहाँ से निकले हो आज आप, कहाँ कहाँ से निकले हो, बुलंदशहर बबराला और अमरपुर। तो मिला जुला के बात ये है कि हमारे को आज कहाँ कहाँ डाला हुआ था,
क्योंकि हर जगह कावड़ यात्रा थी तो इधर उधर से निकाल के किस तरह, बट जो भी है यार आ गए हैं, अब सवा दो हो रहे हैं, यहाँ से 10-15 मिनट और लगेंगे घर पहुँचने के और जाते ही सो जाएंगे बस, ठीक है। बट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो व्हाट से एनी रीज़न तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मज़े आपके लिए और आते रहेंगे। और एक बहुत बढ़िया ट्रिप आगे के लिए एक और प्लान्ड है जिसके बारे में आपको हिंट इस सीरीज में हमने दे ही दिया है, ठीक है। फिर आप है तो हमें, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं। कितनी धीरे बोला है सबने यार आज। बड़े हैं।